हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र। और दोस्तों, आज से इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, इसमें भी रिवीजन के तरीके से ही पढ़ाया जाएगा आपको। जल्दी जल्दी आपको अपनी किताब में पढ़ लेना है पहले, और फिर जिसके बाद रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें वही चीज़ें बताई जाएगी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज देखेंगे आरबीआई और इसके कार्य। आरबीआई सबसे बड़ा बैंक होता है किसी, मतलब अपने इंडिया का। तो दोस्तों, इसका इतिहास देखने से पहले कुछ देख लेते हैं कि विश्व में सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक बना है, सबसे बड़ा, सबसे पहले वो बना है स्वीडन में। इसको बोलते हैं स्वीडन में रिस्क बैंक, बोल रहे हैं सर, रिस्क बैंक। ये बना था दोस्तों 1668 में। सबसे पहले यही बना था विश्व में। अमेरिका में भी बाद में बना था। अमेरिका में कैसे बना था, वहां पर 12 फेडरल, मतलब वो फेडरल कंट्रीज है, तो 12 राज्यों से मिलकर, मतलब उन्होंने सहमति करके ये बैंक बनाया, तो उसको फेडरल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इंडिया में उसी प्रकार आरबीआई को जाना जाता है, जैसे वहां पर वो दूसरा, मतलब सबसे बड़ा बैंक है अमेरिका में फेडरल रिजर्व, उसी प्रकार इंडिया में आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं अपन। आरबीआई के इतिहास में तो ये 1935 में बना था। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। इसका इतिहास पढ़ेंगे। साख संतुलन क्या होता है दोस्तों? आरबीआई के जो कार्य हैं उनमें मुख्य है साख संतुलन और मौद्रिक नीति। ठीक है, मतलब जो बाजार में बहुत सारा पैसा हो जाता है, उसकी वजह से मुद्रास्फीति आ जाती है, उस पैसे को किस प्रकार वापस लेना है, किस प्रकार, मतलब किसानों को कर्ज देना है, केसीसी किस प्रकार बनाई जाएगी, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, CRR, SLR क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, टर्म रेट क्या होती है, ये ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और इसके कार्य दोस्तों, आरबीआई के कार्य के बारे में बात करें तो बैंकों का बैंक है, नोट वोट छापता है, जो करेंसी छापता है वो आरबीआई छापता है, और जो विश्व के दूसरे बैंकों से, वित्तीय जो संस्थान है उनसे संबंध भी आरबीआई रखता है। तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, और जो जैसे अपन मुद्रा का एक्सचेंज करते हैं, ये सब चीज़ें सारी कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, अब इसके इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा, पर मैं बोलता जाऊंगा, उस पर अच्छे से ध्यान देना आप, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, सबसे पहले इसके देखते हैं केंद्रीय बैंक है दोस्तों, ये इंडिया का हिल्टन आयोग। हिल्टन आयोग के अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसको आरबीआई अधिनियम 1934 के नाम से जाना जाता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई जो बैंक है वो बन गया था, ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। सबसे पहले इसके मुख्यालय के बारे में बात की जाए तो इसका मुख्यालय सबसे पहले था कोलकाता में। 1937 में इसका मुख्यालय वहां से शिफ्ट होकर बम्बई में आ जाता है। इसका वित्तीय वर्ष जो विश्व बैंक है उसके अनुसार रहता है। अपना जो दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनका वित्तीय वर्ष अलग होता है, और बैंक का, दूसरे बैंकों का वित्तीय वर्ष अलग होता है, पर आरबीआई का वित्तीय वर्ष है ना विश्व बैंक की तरह होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, 1 जुलाई से 30 जून तक, ये ध्यान रखना है। जो अपना आरबीआई है उसका वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में पूछा जाता है, हिल्टन आयोग के बारे में पूछा जाता है, इसकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है, और आरबीआई अधिनियम 1935 के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। इसके पहला मुख्यालय कहाँ था, सेकंड मुख्यालय कहाँ है, ये थोड़ा सी ध्यान रखना है। सॉरी, 1 जनवरी 1949 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है समाज को या फिर जनता को अच्छी फैसिलिटीज मिले, मतलब जो गवर्नमेंट है ना इन बैंकों को खरीद लेती है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा इसमें लगा दिया जाता है, उसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयकरण किसका हुआ, आरबीआई का हुआ है दोस्तों, पहले ध्यान रखना है। जो दूसरे बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण आगे करेंगे, 1969 में होता है, 1969 में कितने, 14 बैंकों का होता है, फिर 1980 में 6 बैंकों का होता है, 6 बैंक मतलब ऐसे तो 20 हो गए, फिर एक बैंक दूसरे बैंक में विलय हो जाता है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, निजी निवेशकों को पूंजी वापस दे दी गई और गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी पूंजी लगा दी। ठीक है, ध्यान रखना इसका टेन्यूर, जो इसका आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका टेन्यूर, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अभी रघुराम राजन थे पहले, अभी कौन है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूरी है लिखना, अभी के जो गवर्नर है वह कौन है, क्या नाम है उनका, कमेंट बॉक्स में ये आपको लिखना है। ठीक है, तो रघुराम राजन ने 3 साल ही अपना कंप्लीट किए थे। सबसे पहले जो गवर्नर के बारे में बात की जाए तो प्रथम गवर्नर थे सर ओसबर्न स्मिथ, ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सर ओसबर्न स्मिथ स्पष्ट गवर्नर थे। पर भारतीय के बारे में बात की जाए कि भारत का पहला गवर्नर, मतलब गवर्नर कौन था बैंक का, तो वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, इसका प्रबंधन कौन संभालता है, इसका प्रबंधन संभालने में 21 सदस्यों की सहायता ली जाती है। 21 सदस्यों में एक तो है गवर्नर, जिसके बाद 4 उप गवर्नर होते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे 4 उप गवर्नर होते हैं, जिसके बाद 4 क्षेत्रीय, जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके अध्यक्ष होते हैं, या उनको भी गवर्नर, गवर्नर नहीं बोलते, निदेशक बोलते हैं उनको। ठीक है,
कार्यालय प्रमुख बोलते हैं उनको, और फिर 10 निदेशक होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होते हैं दोस्तों। तो सरकार का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर होता है, जैसे ये 2 बता रहे हैं, 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं, 10 निदेशक हो गए, 4 उप गवर्नर हो गए, 1 गवर्नर हो गया, और 4 कार्यालय प्रमुख हो गए जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। ठीक है, कई बार इसमें मुद्दा भी विवाद भी चलता रहता है कि इसका जो RBI है उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए, कलकत्ता इसकी ब्रांच खोल दी जाए, ये ऐसे ऐसे बातें चलती रहती है, पर होता कुछ नहीं है दोस्तों। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, ध्यान रखना है। कार्य, इसके कार्य के बारे में बात की जाए तो मौद्रिक नीति बनाने का इसका काम है, RBI का मुद्रा छापना इसका काम है, बैंकों का बैंक कहलाता है, भारत सरकार का बैंक है RBI, तथा मुद्रा का क्या करता है, मुद्रा का आकलन भी करता है, विदेशी मुद्रा से जुड़े कार्य भी यही करता है, विदेशी मुद्रा भंडारण करता है, विनिमय करता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ये संबंध रखता है। ध्यान रखना, ये मौद्रिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरी पॉलिसी। अभी अक्टूबर में 2-3 दिन, मतलब 1-2 दिन पहले ही जो मौद्रिक नीति है वो आई थी, उसका मतलब क्या निष्कर्ष, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसके जो मौद्रिक नीति है उसके मुख्य कार्य क्या है, तरलता समायोजन, साख संतुलन। तरलता समायोजन का मतलब है बाजार में जो लिक्विडिटी है, तरलता है, बाजार में जो ज्यादा पैसा है, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाती है जब मुद्रास्फीति आती है, तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू ऐसे ही कम हो जाएगी। जैसे मान लो कोई एक मतलब कोई पेशेंट है, अब उसको वो सेव चाहिए, 1 अनार, 100 बीमार बोलते हैं, 1 अनार मतलब एक पेशेंट, पेशेंट एक है और से जो अनार है बहुत सारे हैं, तो वो कोई तो उसको आराम से मिल जाएंगे, पर पेशेंट 100 है, अनार 1 है, तो उसकी वैल्यू बहुत हो जाएगी, बहुत महंगा मिलेगा, कहने का मतलब ये है। तो मौद्रिक नीति में यही किया जाता है, तरलता का समायोजन। तो दोस्तों मौद्रिक नीति समझा रहा था, बीच में फोन आ गया इसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं अपन साख संतुलन के लिए जो जो टूल्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में। जो टूल्स है उनमें मुख्य मुख्य ये है, देखो टूल्स से पहले 2 उपकरण है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में कौन कौन से, CRR, कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं, ये इंस्टीट्यूट लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं, या RR को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, टर्म रेपो, बैंक रेट, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब थोड़ा सा मैं तो सभी को समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। कैश रिजर्व रेशो में क्या करना होता है, 1 मिनट, कैश रिजर्व रेशो दोस्तों, इसमें कुछ पैसे है ना, कुछ राशि किसके पास, सेंटर के पास, मतलब RBI के पास रखनी पड़ती है, RBI के पास रखना है। कितना, इसमें वो भी बताऊंगा मैं, लिमिट कितनी है, कितनी नहीं रखनी, पर कुछ पैसा अपना RBI के पास रखना है, और SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, इसमें स्वयं के पास रखना है, ये ध्यान रखना है। जो भी बैंक है उसको कुछ पैसा अपने पास रखना है, वो कितना रखना है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले इसकी जो मेन डेफिनेशन से वो समझ लो, मतलब इसको समझ लो इस कैसा क्या होता है। रेपो रेट, रेपो रेट में क्या होता है, RBI किसी बैंक को ऋण देगा अल्पकाल के लिए, वो रेपो रेट कहलाएगी। रिवर्स रेपो रेट में मतलब है कोई बैंक है, जैसे ये RBI हो गया, ठीक है, ये बैंक हो गया, बैंक अब इसके पास पैसे ज्यादा हो गए, इसके पास पैसे ज्यादा हो गए तो ये कुछ पैसे जमा कराएगा, भाई मेरे पास से चोरी हो जाएंगे तो आपके पास जमा कर लो, तो ये इसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, और इसको अगर पैसे की जरूरत है तो इससे लेगा तो ये रेपो रेट कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये देगा, ये ज्यादा हमें, इसकी जो ब्याज दर है ना, ब्याज दर वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, और इसको ये अगर जमा कराएगा RBI के पास तो ये कम ब्याज देगा, ये पॉलिसी है यहाँ पर। ठीक है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, टर्म रेट, ये ज्यादा आपके काम की नहीं है। बैंक रेट ध्यान रखना है दोस्तों, बैंक रेट का अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था, उसके हिसाब से जो ग्राहकों को ना ऋण दिया जाता है उसके आधार पर। ओपन मार्केट ऑपरेशन दोस्तों, इसमें ये बॉन्ड ये होते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ट्रेजरी बिल होते हैं, बॉन्ड होते हैं, और राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं, ये ओपन मार्केट में रहते हैं। अब आगे देखते हैं इनके बारे में, देखो थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूँ। गुणवत्ता में क्या है, जो वरीयता प्राप्त क्षेत्रों को कर्ज दिया जाता है, जैसे कृषि है, कृषि में ब्याज रेट कम ली जाती है, 4% ही ली जाती है, अगर 6 महीने में आप जमा करा दो, और 6 महीने में जमा नहीं कराओ तो 7% ब्याज दर ली जाती है। उसी प्रकार MSME में ब्याज दर कम ली जाती है। तो दोस्तों ये गुणात्मक, कुछ अलग क्षेत्र होते हैं चयनात्मक, जहां पर ऋण नहीं लिया जाता वहां पर ऋण दिया जाता है। तो दोनों उपकरण हो गए। अब देखते हैं CRR, मैंने बताया था भाई इसको RBI के पास कुछ पैसा जमा कराना है, कितना कराना है, पहले ये 0 से 15% तक इसकी लिमिट है, पर अभी जो है 4% ही जमा कराना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। SLR स्वयं के पास रखना है, कितना रखना है, किसी भी समय एनी टाइम, मतलब खुद के पास कुछ पैसा रिजर्व रखना है कि उसे कुछ भी काम पड़ जाए, इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, घर पे कोई बीमार हो गया तो अपन क्या करते हैं, थोड़े पैसे रखते हैं कि इमरजेंसी में काम आ जाए।
तो SLR बोलते हैं उसको। तो इसकी लिमिट है 0 से 40% तक, पर अभी 1991 के बाद इनको सबको कम कर दिया है। 21.5% की आवश्यकता होती है। अब कोई भी बैंक है तो उसको 21.5% मतलब 21.50% खुद के पास हमेशा रखने पड़ती है सरकारी प्रतिभूतियां। अब ये किस किस के रूप में रख सकता है, जो सरकार के बॉन्ड्स है उनके रूप में भी रख सकता है और सोने के रूप में भी रख सकता है। तो पहले RBI एक्ट 1935 में ये 3 से 15% CR थी और 25 से 40% SLR थी। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, जब ग्लोबलाइजेशन LPG आया उसके बाद इनको कम कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ये बताई दिया मैंने रेपो रेट क्या होती है। ये RBI ना बैंकों को देंगे, वो रेपो रेट खिलाएगा दिए, और रेपो रेट क्या खिलाएगा, जो बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी है वो RBI को जमा करेंगे, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में ये होता है, बैंकों को अति अल्पकाल के लिए पैसे दिए जाते हैं, जैसे 24 घंटे के लिए पैसे दिए चाहिए बैंक को, तो वह MSF कहलाता है। टर्म रेपो के बारे में बात की जाए तो ये RR के बढ़ते उपयोग को कम करने के लिए होता है। इसमें बोली लगाकर, भाई हाँ मैं तो 5% में ब्याज में ले रहा है तो मैं 7% में लूंगा, इस प्रकार बोली लगाकर बैंक पैसे लेते हैं RBI से। ये BR बैंक रेट है दोस्तों, ये पुराना उपकरण है, इसका ज्यादा उपयोग अभी नहीं है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये निबोर टिबोर ये चीजें हैं, इनको थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत। ये न्यूयॉर्क ऐसे कुछ करके है, हाँ ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, निबोर टिबोर। ये भी इसमें देख लो, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल के बारे में बात करें अपन तो ट्रेजरी बिल होते क्या है, बिल जारी किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो जैसे अभी 100 रुपये का ट्रेजरी बिल जारी करना है, मैं बताता हूँ आपको, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल जारी करना है, 100 रुपये का, तो सरकार क्या करेगी, इसको बेचेगी 85 रुपये में, 85 रुपये में दे देगी, पर कुछ समय बाद जब आपको ये वापस मतलब इसके पैसे निकलवाने, तो 100 रुपये वापस दे देगी, मतलब कम कटौती में के साथ जारी किए जाते हैं ये ट्रेजरी बिल। ये कितने कितने दिनों के लिए, ये 91 दिनों के लिए, 182 दिनों के लिए, 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। राष्ट्र उसी प्रकार राष्ट्रीय बचत बॉन्ड पत्र भी जारी किए जाते हैं, राज्य द्वारा भी जारी पत्र किए जाते हैं। दोस्तों इनका ऑपरेशन कौन करता है, गिल्ट एज मार्केट, ध्यान रखना है, गिल्ट एज मार्केट इनका ऑपरेशन करता है, सीड भी नहीं करती है। मौद्रिक नीतियों के बारे में, बाजार में तरलता समायोजन करती है, बताई दिया ये आपको। राजकोषीय नीतियां, दोस्तों राजकोषीय नीतियों में बाजार में तरलता है ना, उसका उपयोग कर लिया जाता है, जब ज्यादा पैसा है तो फिर उसको कोई प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है, शेयर मार्केट की तरह। उत्पादन बढ़ाकर, कोई चीज की किसी की कमी है तो उसका उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा ताकि उसकी जो सप्लाई है अच्छे से हो सकती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यही खत्म करते, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लिखिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है, अगर आप कहोगे तो मैं कंटिन्यूटी रखूंगा, अदरवाइज इसको इकोनॉमिक्स पढ़ाना खत्म कर बंद कर देंगे और साइंस का लेक्चर कल से आने लग जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाएगा जो आपके आगामी एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।